चिल्ड्रन डेकुबा में बच्चों के लिए खेल का आयोजन। खेल कूद में मिला मौका तो बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। जौनपुर, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। इसी के मद्देनजर जौनपुर के उसरहटा स्थित कुबा इंटरनेशनल स्कूल में खेलकूद कार्यक्रम आयोजित कर चाचा नेहरू को याद किया गया। खास आयोजन में बच्चों के लिए क्रिकेट मैच कराया गया। क्रिकेट का पहला मैच 11वीं व 10वीं के विद्यार्थियों के बीच खेला गया। कुबा 11 के कप्तान मोहम्मद आकिब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। कुबा 10 की टीम निर्धारित ओवरों में 51 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में कुबा 11 की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 46 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। वहीं रेयान की शानदार बल्लेबाजी, मोहतिसम व अब्दुल रहमान द्वारा शानदार गेंदबाजी व फील्डिंग की गई। दूसरा मैच कुबा 8 व कुबा 9 के बीच खेला गया, लेकिन यह मैच टाई हो गया, जिसका फाइनल मैच अब 22 नवंबर को खेला जाएगा। वहीं कुबा 8 के कप्तान मोहम्मद आबिद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए। बतौर कमेंटेटर के तौर पर नरेंद्र प्रसाद व मैच रेफरी के तौर पर ठाकुर मनोज सिंह, जितेंद्र यादव व अमित यादव ने बच्चों के मनोरंजन के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। वहीं 9वीं के विद्यार्थियों ने पूरे क्लासरूम को बाखूबी सजाया था। 8वीं के विद्यार्थी मोहम्मद अहमद द्वारा प्रस्तुत की गई नज्म व स्पीच को खूब सराहा गया। इसके अलावा बच्चों के लिए कई और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कई बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।